नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रही हैं खबर बॉक्स और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नई सरकार बनते ही बेशर्मी की हद पार कर रही बीजेपी की, फ्रूट जूस के नाम पर चीनी का घोल पिला रही कंपनियों की, मुस्लिम मुक्त हुई भारत सरकार की, महिलाओं की दुर्दशा पर चुप्पी साधे पीएम मोदी की, बात करेंगे 18वीं लोकसभा के शुरू होते ही किसानों को मिली बड़ी सौगात की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में दिल्ली जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी ही जिम्मेदार है, जो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है। इसके साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे, आज कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकली हैं और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीसरी बार कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में दिखे पीएम मोदी, पहली ही फाइल साइन कर किसानों को दी बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को दी मंजूरी, बोले कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। बता दें कि इससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को होगा फायदा। मुस्लिम मुक्त हुई भारत सरकार, आजादी के बाद मोदी राज में हुआ ऐसा पहली बार। दरअसल मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व खत्म हो गया है, इस बार एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया है। नेशनल जांच एजेंसी ने अपने चेयरमैन प्रदीप कुमार को सौंपा नीट जांच का जिम्मा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विशेषज्ञ हैं, इसलिए कमेटी में चयन हुआ। एनडीए में किंग मेकर बनकर 5 दिन बाद पटना पहुंचे नीतीश कुमार, समर्थक बोले कि विरोधी के मुंह पर तमाचा मार के लूटे हैं। वहीं बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों ने ली शपथ। जल्दी सुनवाई चाहते हो और खुद इम्तिनान से बैठे हो, दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई आम आदमी पार्टी को फटकार, कहा कि हमें हल्के में ना ले। मोदी के तीसरे कार्यकाल में बनी 73 मंत्रियों की सबसे बड़ी कैबिनेट, इसमें 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बने। वहीं जीत कर आई 33 महिलाओं में 7 को मिली जगह। फ्रूट जूस के नाम पर चीनी का घोल पिला रहे लोग, ICMR ने दी चेतावनी, कहा कि पैकेज्ड फूड का लेबल हो सकता है भ्रामक, छलावे में ना आए लोग। ओडिशा में 12 जून को होगा मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण, सीएम कैंडिडेट चुनने के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया गया ऑब्जर्वर। वहीं आंध्र प्रदेश में भी भाजपा के सहयोगी TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू 12 जून को ही मुख्यमंत्री के रूप में लेंगे शपथ। केरल से पहले भाजपा सांसद सुरेश गोपी को नहीं रास आया मंत्री पद, जताई कैबिनेट छोड़ने की मंशा, बोले कि एक्टिंग मेरा जुनून, नहीं छोड़ूंगा फिल्म इंडस्ट्री। यूपी ग्राम पंचायतों के 4,821 पदों पर और तमिलनाडु के MRB में 2553 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी। वहीं ग्रेजुएट्स के लिए DRDO में जूनियर रिसर्च फोलो बनने का सुनहरा मौका। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी विजिट करें RKAlert वेबसाइट पर। कचहतियों द्वीप को लेकर फिर गरमाई राजनीति, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा कि कचहतियों मुद्दे को याद कीजिए जिसे चुनाव प्रचार के दौरान एक तिहाई स्वयं पीएम ने गढ़ दिया था। साथ ही कहा था कि इस मुद्दे से श्रीलंका और भारत के रिश्तों को पीएम ने संकट में डाला, इसलिए मोदी जी माफी मांगे। बिहार में चिलचिलाती गर्मी से बिगड़ रहे स्टूडेंट्स की तबीयत, इधर MP UP समेत 5 राज्यों में 5 दिन तक चलेगी लू। वहीं मुंबई में 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर किया उपचुनाव का ऐलान, कहा कि इन 13 सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र, इस दौरान प्रदेश की मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट करेगी पेश। सूत्रों के मुताबिक 18 जून से शुरू हो सकता है 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र। वहीं 18-19 जून को सांसदों की शपथ और 20 जून को स्पीकर का चुनाव होकर 21 जून को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति कर सकती है संबोधित। लोकसभा चुनाव पूर्ण होते ही आम आदमी पार्टी पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, दिया 10 अगस्त तक कार्यालय खाली करने का आदेश। शेयर बाजार में गिरावट के साथ हुई सप्ताह की शुरुआत, सेंसेक्स 203 अंक फिसल कर 76,490 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 30 अंक लुढ़क कर 23,259 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ में आज के इस बुलेटिन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। अब खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं अलग अंदाज में शुरू हुए मोदी के तीसरे कार्यकाल की। जी हां, 18वीं लोकसभा का गठन होने के बाद
जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को मंजूरी दी। वहीं दूसरी ओर इस बार की सबसे बड़ी कैबिनेट में 71 मंत्रियों को जगह दी गई, जिसमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इधर शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा 12 ऐसे नेताओं को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसमें जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, रामदास अठावले, रामनाथ ठाकुर, बीएल वर्मा, सतीश चंद्र दुबे, पवित्रा मार्गरीटा और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। हालांकि कैबिनेट विस्तार के बीच शपथ लेने वाले मंत्रियों में मनमुटाव भी देखने को मिला। केरल से पहली बार भाजपा को सिर दिलाने वाले सुरेश गोपी ने मंत्री पद पर रहने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और सांसद बनकर ही त्रिशूर की जनता की सेवा करेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी दबाव बनाकर गोपी को मंत्री पद पर रख पाएगी या राज्य पद से उन्हें मुक्त कर देगी। एक तरफ एनडीए की नई नवेली सरकार अभी भी बनी है कि वहीं दूसरी ओर इस पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि एक आरएसएस कार्यकर्ता ने मालवीय पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, तो ऐसे में क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनडीए की घटक दल बीजेपी में जमकर निशाना साधा। सोमवार को उन्होंने कहा कि आरएसएस सदस्य शांतनु सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने अमित पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शांतनु के मुताबिक अमित महिलाओं को 5-स्टार होटल ले जाते थे और उनका शोषण करते थे। यही नहीं, अमित ने बंगाल में बीजेपी ऑफिस से भी महिलाओं का यौन शोषण किया। बता दें कि शांतनु बंगाल में भाजपा के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के रिश्तेदार हैं। सुप्रिया ने आगे कहा कि हम भाजपा से बंगाल में महिलाओं के लिए न्याय की मांग करते हैं, चाहे वह हाथरस हो, लखीमपुर हो, हमारे सबसे सम्मानित एथलीट हो या बिल्किस बानो हो। प्रधानमंत्री ने लगातार अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर से सिर शर्मसार कर दिया है। इतने गंभीर आरोप पर बीजेपी ना एक शब्द बोल रही है ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। जब आरोपी का संरक्षण किया जा रहा है तो पीएम मोदी किस मुंह से महिलाओं की बात करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज हम अमित मालवीय को उनके पद से तत्काल हटाने की मांग करते हैं। यह एक अत्यंत प्रभावशाली पद है और इसकी कोई स्वतंत्र जांच नहीं हो सकती जब तक इन्हें उनके पद से नहीं हटाया जाता। न्याय नहीं हो सकता। श्रीनेत ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आप महिलाओं के साथ खड़े हों, आप भारत की बेटियों के साथ खड़े हों। जब तक आप उनकी दुर्दशा का जवाब नहीं देते तब तक आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी सरकार फिर सत्ता में आते ही पार्टी नेताओं के कारनामों से बुरी खिर गई है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली जल संकट मामले में परेशान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ही फटकार लगाई है। जस्टिस ने कहा है कि अदालत को हल्के में ना ले, आप जल्द सुनवाई चाहते हो और खुद इम्तिनान से बैठे हो तो क्यों, कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली सरकार ने जल संकट को देखते हुए हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश देने के लिए याचिका लगाई। सोमवार को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ही फटकार लगाई और जल संकट संबंधी याचिका में खामियों को ठीक न करने पर नाराजगी जताई। आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई याचिका में कुछ खामियां थी जिसके कारण अलग अलग पक्ष द्वारा लगाए गए दस्तावेज स्वीकार नहीं हो पा रहे थे। इस पर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बेंच ने दिल्ली सरकार को कहा कि आपने अभी तक याचिका की खामियों को दूर नहीं किया है, हम आपकी याचिका को खारिज कर देंगे। पिछले सुनवाई में भी बताया गया लेकिन उसके बावजूद आपने गलतियों को ठीक नहीं किया, आप कोर्ट की कार्रवाई को हल्के में नहीं ले सकते, फिर चाहे आपका मामला कितना भी जरूरी क्यों न हो। इसके अलावा कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए आगे कहा कि एक तरफ आप कहते हो कि आप पानी की समस्या से जूझ रहे हो, दूसरी तरफ आप ही अपनी याचिका को ठीक नहीं करते, आप जल्दी सुनवाई चाहते हो और खुद ही इम्तिनान से बैठे हो, आप सब कुछ रिकॉर्ड पर आने दीजिए, हम मामले की सुनवाई अब 12 जून को करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मामले की 6 जून को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हिमाचल को दिल्ली के लिए एक्स्ट्रा पानी छोड़ने के निर्देश दिया था, लेकिन बीते दिन की सुनवाई में आम आदमी पार्टी ने यह पानी रोक देने की बात कही थी। तो दिल्ली जल संकट पर क्या है आपके विचार, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।